नमस्कार, MVTV के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानवता कर भरने के लिए पालिका की तरफ से अभी ऑनलाइन सुविधा। स्कूल में जंक फूड के बिक्री पर लगाई गई पाबंदी। राज्य भर में बारिश होने की संभावना। रेलवे प्रशासन ने मध्य और पश्चिम मार्ग 40 लोकल बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुंबई शहर और उपनगर में केरोसिन के दाम में हुई वृद्धि। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, जापान, सिंगापुर तथा विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती बौद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण समारोह भी मनाया जाता है। इस दिन 563वें सदी में बौद्ध का जन्म लुम्बिनी भारत में हुआ था। इस पूर्णिमा के दिन ही 483 ईस्वी सन पूर्व के 80 वर्ष के आयु में देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। अपने मानवतावादी एवं विज्ञानवादी बौद्ध धर्म दर्शन से भगवान बौद्ध दुनिया के सबसे महान महापुरुष है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले 180 करोड़ लोगों से भी ज्यादा इस दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, जापान तथा विश्व के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। स्कूल के उपहार ग्रहों में चिप्स, मिठाई, नूडल्स, केक, बिस्किट, जंक फूड के बिक्री पर शालेय शिक्षण विभाग ने पाबंदी लगाई है। सरकार ने मुंबई शहर और उपनगरीय सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के केरोसिन के दाम में 1 मई से वृद्धि की है। इस केरोसिन की बिक्री दर 19.65 रुपए कर दिया गया है। केरोसिन का फिलहाल का एक्स डेप 17,034 रुपए प्रति किलोलीटर से अब 17,284 रुपए प्रति लीटर किलो से हो गया है। 84 पैसा अभी हो गया 19 रुपया 10 पैसा, मतलब कुछ 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, 15-20 पैसा ऐसा बढ़ते जाता है। बस कितना साल बढ़े, मतलब 5 साल में अभी कितना रुपया बढ़े, 5 साल के तुलना में 5 साल में कितना है अभी? 2-3 रुपये का मेरे को लगता होगा ऐसा अंदाज है। ऐसा बढ़ते जा रहा है, कुछ कम हुआ है क्या? कम बोलेगा तो बीच में कम भी हुआ था, बाद में फिर अभी 2-3 महीने में से कुछ बढ़ते जा रहा है। नहीं मतलब वही जो 5-10 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 10 पैसा 20 पैसा ऐसा बढ़ जाता है। गोविंद पटेल, केरोसिन के यातायात में आने वाले डीजल के खर्च के वृद्धि होने के कारण सरकार ने मुंबई शहर और उपनगर में केरोसिन के दाम में वृद्धि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। स्कूल के उपहार ग्रहों में चिप्स, मिठाई, नूडल्स, केक, बिस्किट, जंक फूड के बिक्री पर शालेय शिक्षण विभाग ने पाबंदी लगाई है। स्कूल के उपहार ग्रह में चिप्स, मिठाई, नूडल्स, केक, बिस्किट, जंक फूड की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। शालेय शिक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पाबंदी लगाए पदार्थों की स्कूल के उपहार ग्रह में बिक्री ना हो, इस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी स्कूल के मुख्याध्यापक और स्कूल के व्यवस्थापन पर सौंपी है। सेहत के लिए अच्छी और लाभदायक चीज़ों का सेवन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र के मालिक और बाल कल्याण विभाग ने एक कार्यगट स्थापन किया है। स्कूल के उपहार ग्रह में ऋतु निहायत सब्जी, गेहूं, चपाती, पराठा, चावल, सब्जी पुलाव, उपमा, खिचड़ी आदि खाने की चीजें रखें, ऐसा आदेश शालेय शिक्षण विभाग ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। मालमत्ता कर भरने के लिए नवी मुंबई महापालिका की तरफ से अभी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गई है। नवी मुंबई महानगर पालिका के 2017-18 इस आर्थिक वर्ष की मालमत्ता कर की देय के महानगर पालिका विभाग कार्यालय में तैयार की गई है। मालमत्ता कर देय के प्रॉपर्टी टैक्स के लिए महानगर पालिका की वेबसाइट www.nmmc.gov.in इस पर उपलब्ध कर दी गई है। इसी के साथ संबंधित विभाग कार्यालय और महानगर मालमत्ता धारकों के पते पर भी मालमत्ता कर भेजा गया है। महानगर पालिका विभाग कार्यालय निहायत विविध जगह के मालमत्ता कर संकलन, मालमत्ता कर वसूल करने की कार्य प्रणाली कार्यान्वित कर दी गई है। इसी के साथ नागरिक www.nmmc.gov.in इस वेबसाइट पर ऑनलाइन मालमत्ता कर जमा कर सकते हैं। इस तिथि में सन 2017-18 इसी आर्थिक वर्ष के पहले 6 महीने के बिल जल्द से जल्द भर दीजिए। सन 2017-18 इस आर्थिक वर्ष के देय के मालमत्ता कर बिना देर किए भरकर नवी मुंबई महानगर पालिका को सहकार्य करें।
ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। रेलवे प्रशासन ने मध्य और पश्चिम मार्ग पर 2 अक्टूबर से ज्यादा 40 लोकल बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य और पश्चिम रेलवे मुंबई की लाइफलाइन है। मुंबई में लाखों लोग हर रोज मध्य और पश्चिम रेलवे से यातायात करते हैं। उन्हें अच्छी यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए और भीड़ से निपटने के लिए रेलवे प्रशासन ने 2 अक्टूबर से मध्य और पश्चिम मार्ग पे 40 लोकल बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसी घोषणा रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने की है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राज्य भर में कड़ी तेज धूप, गर्मी और पसीने से नागरिक परेशान है। ऐसे में भारतीय हवामान शास्त्र विभाग ने राज्य भर में कई क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका जताई है। राज्य भर में कड़ी तेज धूप, गर्मी और पसीने से नागरिक परेशान है। ऐसे में भारतीय हवामान शास्त्र विभाग ने राज्य भर में कई क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका जताई है। आने वाले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में 11 और 12 मई को बारिश होने की आशंका जताई है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कड़ी तेज धूप है। राज्य में सोमवार के दिन चंद्रपुर में 46.4 सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, तो महाबलेश्वर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।